I don't know how I walk in Jamaica. You don't need to be afraid. Yeah, sir. ये है मेरी इजिप्ट सीरीज की सेकंड वीडियो और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा मेरा कायरो से गीजा पिरामिड्स का पूरा ट्रिप एक लोकल इजिप्शियन के साथ, कायरो से गीजा पिरामिड्स कैसे जाएं, पिरामिड्स के बाहर लोकल फूड, पिरामिड्स के सबसे पास का व्यू और मैं आपको मिस्टीरियस पिरामिड के अंदर भी लेके जाऊंगा इस वीडियो में। इसके साथ साथ आपको नाइल रिवर और फेलुका राइड भी देखने को मिलेगा, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मेरा इजिप्ट का दूसरा दिन है और कल रात में वापस आने के बाद मेरा कैमरे का बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, तो मैं फिर कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया। एनीवेज आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ पिरामिड्स, मतलब कि जिस दिन के लिए मैं इतने सालों से वेट कर रहा था, इतने सालों से ट्रिप प्लान कर रहा था और जिस दिन के लिए मैंने पूरी ट्रिप की वो दिन आज है पिरामिड्स का। कायरो में ट्रैफिक नॉइज बहुत ज्यादा होने की वजह से मेरे को यहाँ वॉइस ओवर करना पड़ा। मैं यहाँ ये बता रहा कि गीजा पिरामिड्स कायरो में नहीं बल्कि कायरो के नियरेस्ट सिटी गीजा में सिचुएटेड है। आज मैं कायरो मेट्रो से गीजा पिरामिड जाने वाला हूँ। कायरो मेट्रो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ साथ पूरे अरब वर्ल्ड की सबसे पहली मेट्रो है। कायरो मेट्रो सर्विस दो लाइंस में डिवाइडेड है, रेड लाइन एंड ऑरेंज लाइन, इसको लाइन 1 एंड लाइन 2 भी बोलते हैं। तो अब मैं अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ओराबी से गीजा पिरामिड के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन गीजा रेलवे जाऊंगा। आप ये मेट्रो मैप फॉलो करके पूरे डाउनटाउन कायरो में कहीं से भी इजिली गीजा पहुंच सकते हैं। मेट्रो के अलावा आप उबर या करीब एप्स के थ्रू टैक्सी लेके भी बहुत इजिली गीजा पिरामिड जा सकते हैं और टैक्सी से अप्रोक्सीमेटली 75 इजिप्शियन पाउंड लगता है। काउसर्फिंग ऐप के थ्रू एक लोकल इजिप्शियन रेनिया ने मेरे को मैसेज किया था कि वो गीजा सिटी में रहती हैं और वो मेरे को गीजा पिरामिड दिखाना चाहती हैं। अभी वो मेरा गीजा मेट्रो स्टेशन पे वेट कर रही हैं। A few moments later. मैं गीजा मेट्रो स्टेशन के बाहर हूँ अभी। मैं मेट्रो स्टेशन के अंदर व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था, तभी कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आके मेरे को मना कर दिए कि रिकॉर्डिंग अंदर अलाउड नहीं है। जो मेरे वीडियो थे उन्होंने डिलीट करवा दिया। खैर कुछ बोला नहीं, मुश्किल से एक दो मिनट लगे होंगे। फिर उसके बाद मेरी हेल्प की उन्होंने टिकट परचेज करने में, टिकट दिलाया पूरा गाइड की, क्योंकि किसी को इंग्लिश नहीं आती थी अंदर। तो टिकट बहुत ही सस्ता था, सिर्फ 3 पाउंड 3 पाउंड में। मैं वहाँ से डाउनटाउन कायरो से आ चुका हूँ गीजा मेट्रो स्टेशन। तो बहुत इजी है आप मेट्रो से राइड करना, आप मेट्रो को फाइंड कर सकते हैं। बड़ा सा एम लिखा रहता है, आप पूरे कायरो में कहीं भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आते ही मेरे को मिली रैनिया, जिन्होंने मेरे को काउसर्फिंग का मैसेज किया था मिलने के लिए। रैनिया, या हाय, शी इज़ रैनिया। इनके साथ आज मैं जा रहा हूँ गीजा पिरामिड्स। तो अभी मैं फ़िलहाल गीजा मेट्रो स्टेशन के बाहर हूँ। कई सारे यहाँ पे मिनी वैंस, मिनी कुछ जो भी इनको बोलते हो, मिनी वैंस टाइप, इनके थ्रू जा सकते हैं सब सस्ते तरीके से। ما احنا نوت زين لسه في حد عدي، انت عدي هو ورا جنب الراجل وانت اقعد على القلاب الثاني. يلا يلا مبارك عليك يا حبيبي. هاي هاي جود جود هاو ار يو. تو ابھی میں یہ منی وین کے اندر ہوں، وین نہیں ہے، منی وین نہیں ہے، गीजा पिरामिड के बाहर आ चुका हूँ मैं। 20 मिनट्स लगे मेट्रो स्टेशन से वैन राइड करके यहाँ तक आने में। टोटल जो पैसे लगे हैं वो लगा है 3 पाउंड मेट्रो के, 7 पाउंड वैन के, मतलब टोटल 10 पाउंड में मैं कायरो से पहुँच गया हूँ गीज़ा। यहाँ गीज़ा पिरामिड के आसपास बहुत सारी शॉप्स हैं खाने पीने के लिए, तो मैंने ब्रेकफास्ट तो भी किया नहीं, कुछ खा लेता हूँ फिर। देख सकते हैं लाइन से बहुत सारे शॉप्स हैं, कुछ कैफेज भी हैं। ये फलाफल रोल मैंने लिया है अभी सिर्फ 4 पाउंड्स में। ये मैं मेन एंट्रेंस गेट पे आ चुका हूँ पिरामिड के। पिरामिड पूरा दिख रहा है मेरे पीछे यहाँ से ही। मैंने गीजा पिरामिड की टिकट्स ले ली हैं। टिकट का जो कॉस्ट है वो है पर पर्सन फॉरनर्स के लिए 200 इजिप्शियन पाउंड, और जो लोकल्स के लिए है वो है ओनली 10 इजिप्शियन पाउंड, मतलब लोकल के लिए
10 पाउंड, फॉरनर्स के लिए 200, इतना डिफरेंस है। बाकी इंडिया में भी ऐसे रहता है, ये लोकल्स के लिए कम, फॉरनर्स के लिए ज़्यादा। पिरामिड का व्यू बहुत ही अच्छा है, लाइक इतने सालों से मैं सोचा था कभी लाइफ में पिरामिड आऊँगा, फाइनली मैं आज आ गया हूँ। कैमरे सामने इनके बहुत शर्म आ रही है तो ज़्यादा आना नहीं चाहती हैं। फिलहाल बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और डस्ट बहुत ज़्यादा है, आँख में पूरा डस्ट जा रहा है बहुत ज़्यादा। अभी मैं दो पिरामिड्स के बीच में खड़ा हूँ। टोटल यहाँ पे जो गीज़ा पिरामिड कॉम्प्लेक्स है, टोटल यहाँ पे 7 पिरामिड्स हैं। 3 बहुत बड़े हैं जो पूरे गीज़ा से दिखाई देते हैं, 4 बहुत छोटे हैं जो दिखते नहीं हैं, बहुत ही मुश्किल से दिखते हैं। तो 3 जो फेमस है उनका नाम है खोफू, खाफरा एंड मंकारे। सबसे बड़ा है खोफू, ये उसके बाद का है काफरा, उसके बाद जो आता है वो है मंकारे आता है। अभी भी किसी को पता नहीं है, बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं कि पिरामिड कैसे बना, कैसे बनाया गया। अभी भी बहुत सारी थ्योरीज है, अलग अलग अजम्पशन से लोगों के, लोग कुछ सोचते हैं ऐसे बनाया गया, कुछ सोचते हैं ऐसे बनाया गया, कुछ बोलते हैं लेबर्स ने बनाया, कुछ बोलते हैं एलियंस ने बनाया। अभी भी कोई फुल प्रूफ ऐसा कुछ अभी प्रूफ नहीं हो पाया है कि एक्चुअली पिरामिड्स को बनाया किसने या बना कैसे है। पिरामिड के पास में आ चुका हूँ, यहाँ कई जगह बोर्ड लिखा हुआ है कि नो क्लाइंबिंग, चढ़ना अलाउड नहीं, फिर भी लोग चढ़ रहे हैं। एटलीस्ट टेस्ट तो कर ही सकता हूँ मैं। स्टोन का साइज देखो आप, बहुत बड़ा साइज है स्टोन का। पिरामिड्स दिख रहे हैं, पूरे 7 पिरामिड्स विजिबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ बहुत छोटे हैं, इतना अच्छी विजिबिलिटी उनकी नहीं है, 3 तो खैर बहुत ही बड़े हैं। तो अगर हम काउंट करोगे तो यहाँ से सारे 7 पिरामिड्स विजिबल हैं। पूरे शूज़, पूरे कपड़े 10 से ख़राब हो चुके हैं। और आपको बताता हूँ, यहाँ जितने पिरामिड्स हैं आप इनके अंदर भी जा सकते हो। कुछ की एंट्री खुली है अलाउड जाना, कुछ की अलाउड नहीं है। जिनमें अलाउड है उनमें से भी कुछ के आपको टिकट लेने पड़ते हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है। तो एक पिरामिड खैर एकदम स्टार्टिंग में ही जो है उसका एंट्री फ्री है। तो पिरामिड के अंदर मैं जा रहा हूँ जिसकी एंट्री फ्री है, देखता हूँ फिर अंदर कैसा है। तो अब हम लोग उस पिरामिड के बाहर आ चुके हैं जहाँ पर एंट्री फ्री है। ये खोफू के जस्ट बगल में ही है, ये ऐसा बोला जाता है जो पिरामिड है खोफू की वाइफ की थी। मैं नाम है कुछ, मेरे एक ऐसा कुछ ऐसा करके नाम है। रैनिया तो आ नहीं रही थी, बहुत ही मुश्किल से मैंने उनको मनाया है आने के लिए। पिरामिड के अंदर आ चुके हैं। बहुत टफ नहीं था अंदर आना, बस थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, स्लिप बहुत करता है, बहुत ही वर्टिकल है उसका जो अंदर आने का। अंदर कुछ ऐसा है रूम है, वह छोटा सा, कुछ खास है नहीं इसके अंदर। भाई अब हो चुका अंदर,
बहुत कुछ खास देखने के लिए है नहीं, लेकिन अपने आप में ये एक्सपीरियंस है अगर आप अंदर जाते हो तो। मैं आ चुका हूँ बाहर। गुड, बच चुके हैं दोपहर के, अब मैं वापस आ चुका हूँ एंट्री गेट की तरफ। सामने है स्पिंक्स, स्टार्टिंग में था, फिर से एंडिंग में आ चुका है। A few moments later. अभी हम जहाँ पे हैं ये नाइल स्क्वायर, जैसे हम डाउनटाउन कायरो से पिरामिड गए थे वैसे सेम मैं वापस आ गया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेट्रो के अंदर व्लॉगिंग अलाउड है नहीं, कोई कैमरा रिकॉर्डिंग अलाउड है नहीं, तो मेट्रो के अंदर मैं कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाया। तो जो ओपरा स्टेशन है उसके बाहर आते ही ये पीछे आता है कायरो टावर, आपको दिख रहा होगा लंबा सा ये कायरो टावर। आप इसके ऊपर जा भी सकते हो, कुछ एंट्री फीस है मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ जिसलिए आया हूँ वो आया हूँ मैं नाइल रिवर पे फेलुका के लिए, क्योंकि यहाँ पे नाइल रिवर है वहाँ मैं फेलुका राइड करूँगा। फेलुका राइड मतलब जो बोट चलती है उसको यहाँ फेलुका बोलते हैं। पहले देखता हूँ कि नाइल रिवर दिखती कैसे है, उसके बाद जाऊँगा फेलुका के लिए। तो ये मेरे पीछे नाइल रिवर, जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत अच्छी, बहुत मज़ा आया फेलुका राइड में। 25 पाउंड में मज़ा आ गया। सॉन्ग्स तो भी बहुत अच्छे चल रहे थे, पूरे अरेबिक के समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन सब लोग एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही अच्छा था। आई बिलीव आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।